1, 2, 3, go! हेलो एवरीवन, तो आज हम एक बहुत ही अच्छा लेसन सीखने वाले हैं कि हमें सारे गामा को सही तरीके से प्रैक्टिस कैसे करना है। ठीक है, हम सबको सारे गामा आती है और अगर नहीं भी आती है तो मैं बता दूंगा आपको, बट उसको प्रैक्टिस कैसे करना है आज हम इस बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें देखते हैं, कोई भी हम सारे गामा ले लेंगे, यानी कि अगर आपको ओपन सारे गामा आता है या यहाँ से आता है आपको, ठीक है, यहाँ से अगर आप करोगे तो आपको फिंगर्स की एक्सरसाइज का भी एक अच्छा मतलब एक्सरसाइज हो पाएगी आपकी, और यहाँ से आपकी ओपन स्ट्रिंग की एक्सरसाइज अच्छी हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो थर्ड स्ट्रिंग में फिफ्थ फ्रेट पे आपको एक नोट है सा, देन उसके बाद सेवेंथ पे है आपका रे। ठीक है, ये हो गया सा रे। देन उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग में तीन नोट आपको मिलेंगे, फिफ्थ फ्रेट, सिक्स्थ फ्रेट एंड एट्थ फ्रेट। तो सा रे ग म प। देन उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग में आएंगे आप फिफ्थ फ्रेट ध, फिर सेवन्थ फ्रेट नी, और ये हो गया आपका लास्ट एट्थ नोट हो गया सा। और फिंगर देखो कौन सी ले रहा हूं, 1 3, 1 2 4। देन फर्स्ट स्ट्रिंग में 1 3 4, 1 3, 1 2 4, 1 3 4। ये बहुत ही इजी सारे गामा है। ठीक है, अब इसको देखो प्रैक्टिस कैसे करना है। या तो आप इसको ना मेट्रोनोम जो होता है ना, मेट्रोनोम टक 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 जो इस तरीके से चलता है उसके साथ आप प्रैक्टिस करो। 4x4 की बीट लगानी है आपको। ठीक है, 4x4 आप यूट्यूब में डालोगे 4x4 ड्रम बीट तो ओरिजिनल एकदम से निकल के आ जाएगा। और उसके साथ हमें जैसे मैंने अभी भी एक बीट ले रखी है ऑलरेडी मैंने, तो मैं इसको प्ले कर देता हूँ, ये बीट चल रही है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको पकड़ना कैसे है देखो, अब इसमें जो ड्रम की आवाज आ रही है ना धुम, जो पहला बेस बज रहा है धुम तक धुम तक, तो हमें उसको 1 एज्यूम करना है। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ड्रम बीट से चल रही है 3 4, 1 2 3 4। अब इसके साथ हमें सारे गामा को प्ले करके देखते हैं कैसे करेंगे। 1 2 3 4, एक एक नोट 1 2 3 4, 1 2 3 4, वापस। इस तरीके से पहले आपको स्लो प्रैक्टिस करनी है। ताकि आपके नोट जो है क्लियर एकदम साउंड करें। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब इसी सेम चीज को आपको थोड़ा सा डबल में स्पीड बढ़ानी है आपकी, हल्की सी स्पीड बढ़ानी है। देखो कैसे, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। अब थोड़ी सी स्पीड आपको और बढ़ानी है, फिर थोड़ी सी स्पीड धीरे 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 स्पीड इंक्रीज करते रहना है। पर जब ये पहले वाला क्लियर हो जाएगा ना आपका, तो तब जाके आपको स्पीड है। ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट बड़ी वाली स्पीड आपने ले ली फास्ट स्पीड में, पहले स्लो प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड अप करना है आपको। ठीक है, ये देखो 2 1 2 3 4 लाइक दिस। One, two, three.
इस तरीके से आपको अपने सारे गामा की प्रैक्टिस करनी है। और ये टाइमिंग सुर और ताल, म्यूजिक में दो ही चीज होती है, सुर और ताल। ये तो इससे सब सुर निकल रहे हैं, और ताल क्या होती है, रिदम जो चल रही है, रिदम के साथ आपको चलना आना चाहिए। अगर आप किसी का भी बैंड कोई फॉर्म करोगे तो वहां पर ड्रम चलेगा, तो टाइमिंग से आपको मिलना आना चाहिए। दूसरे लोगों के साथ भी बजाना आना चाहिए, अकेले में नहीं, सबके साथ बजाना आना चाहिए। ड्रम बजेगा, पियानो बजेगा, तो उसके साथ आपको गिटार जब बजाना होगा तो इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन प्रैक्टिस। बहुत अच्छी एक्सरसाइज, थैंक यू सो मच।